उसको वो बहुत सोचता था लोगों के लिए कि मेरे को कौन क्या बोल रहा है. एंड इट्स नॉर्मल होता है बिकॉज ही वॉज फ्रॉम स्मॉल टाउन. आज इतनी बड़ी जगह जाके नाम कमाना बनाना नॉट ईजी. अंकिता की आंखों में आए आंसू, सुशांत को याद कर रोई अंकिता. हेलो, वेलकम टू द हंगामा स्टूडियो. इससे पहले भी हमने हमारी वीडियो में बताया था कि किस तरह से मुनव्वर को सुशांत के बारे में बताते हुए अंकिता इमोशनल हो गए थे. दरअसल अभिषेक और अंकिता गार्डन एरिया में बैठे होते हैं और अभिषेक उनसे सुशांत के बारे में पूछते हैं, जिस पे अंकिता अभिषेक से कहती है, जैसा तू कभी कभी बिना शर्ट के घूमता है ना, मुझे बहुत सुशांत जैसा लगता है. सुशांत भी ऐसा ही था. जिस पे अभिषेक कहते हैं कि जर्नी भी हमारी सेम थी, थोड़ा बैकग्राउंड भी सेम था. अंकिता इसकी जवाब देते हुए कहती है कि पर वो इतना गुस्से वाला नहीं था. सुशांत बहुत शांत था, बहुत मेहनती था, अनदर लेवल का हार्ड वर्क था, डेडिकेटेड, इतना ज्यादा पैशनेट था, बहुत ज्यादा पैशनेट था. अंकिता कहती है कि सुशांत का ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा जिस तरह से मेहनती था, उस तरह से छोटी छोटी बात को या फिर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता था तो सुशांत को वो सब बातें या चीजें बहुत जल्दी अफेक्ट करती थी. जैसे किसी ने ट्विटर पर कुछ बोल दिया, उसे वो इफेक्ट कर जाती थी. मीन्स वो बहुत सोच था लोगों के बारे में कि मेरे को कौन क्या बोल रहा है. और ये सुशांत के लिए बहुत नॉर्मल था क्योंकि वो बहुत स्मॉल टाउन से बैकग्राउंड से था और आज इतना बड़ा नाम कमाना बनाना आसान नहीं है. फिर इसके बाद अंकिता रोती दिखी. अभिषेक कहते हैं, मैंने डिसाइड किया था आपसे मैं कभी इस बारे में बात नहीं करूंगा. अंकिता कहती है, ये ठीक है, सुशांत के बारे में बात करना अच्छा ही लगता है, प्राउड फील होता है मुझे, और कुछ नहीं, बहुत प्राउड फील होता है. अंकिता कहती है, कोई बात नहीं, फैमिली है. फिर अभिषेक अंकिता से पूछते है, विक्की भाई ने उस टाइम सपोर्ट ले लिया था? अंकिता कहती है, विक्की का भी फ्रेंड था सुशी, नॉर्मली विक्की बहुत सपोर्टिंग था. फिर अंकिता सैड होकर कहती है, कोई चला ही जाए दुनिया छोड़ के तो आप क्या कर लोगे? उस टाइम सुशांत के लिए कोई था ही नहीं उसके लिए खड़ा रहने वाला, और विक्की ने बहुत अच्छे से हैंडल की सभी चीजें. अंकिता ये भी कहती है, अगर विक्की का सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती. तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहना चाहते हो और क्या आप भी सुशांत को मिस करते हो? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. We'll be right back.